ऐसे ही ये उस ख्वाब की तरफ भी जा सकता है और ये तबाही की तरफ भी जा बिल्कुल सकता है। नमाज में हम ये कि अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा, जिनको तूने नेमते बख्शी उनके नहीं जो तबाही के रास्ते पे क्या चले गए। बात है। हर वक्त इंसान को इन दो रास्तों के अंदर फैसला करना पड़ता है। Hey guys, it's Vanshika Nanda. Hey everyone, my name is Imran and welcome back to our YouTube channel. आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है इमरान खान अरेस्ट वीडियो। बेसिकली ये हम सभी जानते हैं कि कुछ कंट्रोवर्सी काफ़ी टाइम से हो रही है कि जो इमरान खान है उनको अरेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है, कि जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने किसी पॉलिटिशियंस ने उन पर चार्ज लगाया है कि उन्होंने बेसिकली उन पर करप्शन का चार्ज लगाया है। जो लोग उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं वो नहीं चाहते कि इमरान खान जो है वो उनको जेल हो। तो लाइक ये सारी चीजों में इमरान खान का क्या कहना है ना, तो वो इस वीडियो में हम देखेंगे। हाँ ऐसे ही उन्होंने इमरान खान क्या बोलते हैं, लोग क्या बोलते हैं, वो हम सारी इस वीडियो में देखेंगे। और जो लोग हैं ना, हम ये सभी जानते हैं कि इमरान खान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए दंगे हो रहे हैं और जो पुलिस है वो उनको बस पकड़ने के लिए आ रही है। तो ये सारी चीज़ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सीरियसली मैं इस वीडियो को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हाँ ये सही। और अपनी बात करूँ तो ये जो है ना इमरान खान के ऊपर इतना तशद्दुद कर रहे हैं ना, मैं इस चीज़ से बड़ा ही दिल मेरा बड़ा ही आवाज़दार हुआ पड़ा है कि मतलब देखो, एक हमारा प्राइम मिनिस्टर है, इतना खान है, हमारा दिल की जान है, फिर इस तरह से ठीक है तो उनके ऊपर ये इस तरह से करेंगे, मतलब जो क्या कर लेंगे। लेकिन हम अवाम हैं, हम भी इमरान खान के साथ हैं और डट के खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे, एंड टाइम तक खड़े रहेंगे। और इमरान खान को जिताना हमारा फ़र्ज़ भी है और हक भी है, ठीक है। तो हम इनके ऊपर जो तशद्दुद हो रहे हैं, जो शैलिंग हो रही है, जो सारे मिसाइल हो रहे हैं, वही हम इस वीडियो में देखेंगे जैसे वंशिका ने बता दिया। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं कि वीडियो कैसी लगी। मैं चाहता हूँ प्लीज सामने आ जाए कि कभी भी इस मुल्क की तारीख में किसी भी पार्टी के लीडर ने अपने लोग जिनको टिकट्स मिलने हैं उनसे इस तरह की बातें की हो जो मैं आपसे कर रहा हूं। इसलिए मैं चाहता हूं जिंदाबाद, और इसलिए इसलिए शुक्रिया। मेरा मकसद आज आपको बुलाना बड़ा खास मकसद है, जरा मेहरबानी करके तब खामोशी से सुनने आपकी मेरी बात, खामोशी से, आराम से, तहमल से, खामोशी से, क्योंकि हमारा मुल्क अपनी तारीख के उस मरहले पे खड़ा कि ये दोनों तरफ जा सकता है। ये वो जो पाकिस्तान की ख्वाब है जिसके लिए इतने लोगों ने कुर्बानियां दी, ऐसे ये उस ख्वाब की तरफ भी जा सकता है और ये तबाही की तरफ बिल्कुल भी जा सकता है। नमाज में हम ये कि अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा, जिनको तूने नेमते बख्शी उनके नहीं जो तबाही के रास्ते पे। क्या बात है। हर वक्त इंसान को इन दो रास्तों के अंदर फैसला करना पड़ता है। नमाज ही आप इसलिए पढ़ते हैं, नहीं तो नमाज क्यों पढ़े। नमाज में तो अल्लाह से एक चीज मांगते हैं, बाकी तो उसका शुक्रिया अदा करते हैं, उसकी तारीफें करते हैं। मांगते तो आप वो रास्ता है जो इंसान की अजमत का रास्ता है, वो नहीं जो तबाही का रास्ता है, उससे बचाने के लिए आज हमारा मुल्क उधर खड़ा है। ये याद रखें कि आने वाली इस मुल्क की नस्लें, अगर आप इस जदोजहद में कामयाब हो गए तो वो आपको वो लोग समझेंगे कि जिन्होंने कायदे आजम का पाकिस्तान बनाया। और इसलिए आपकी ये जो वक्त है इसकी अहमियत आपने यहां पहचानी। बेशक ऐसी है। मैंने इसलिए आपको आज यहां बुलाया कि मूवमेंट तो पार्टीज हम सबके सामने क्या होता है, हमारी कोशिश होती है कि मैं इलेक्शन जीत जाऊं, उसके बाद इलेक्शन जीत के मैं अपना डिप्टी कमिश्नर, अपना थानेदार रखवा लूं, पटवारी,
उसके बाद कोशिश होती है शायद वजीर बन जाऊं, वजीर बन के सोचता हूं मेरे लिए क्या बेहतरी है, मैं अपने आप को बेहतर कैसे कर सकता हूं, अपने हल्के का सोचूं, डेवलपमेंट फंड लगाऊं ताकि मैं अगला इलेक्शन जीत जाऊं। पाकिस्तान की तो यह सियासत रही है। मेरे 26 साल में मैं हमेशा देखता रहा कि हमारी क्यों नहीं लोगों को समझ आती कि हम क्यों पीछे रह गए, दुनिया आगे चली गई है। मैंने 26 साल में क्या देखा कि हिंदुस्तान हमारी आंखों के सामने आगे निकला। 80 की दिहाई तक मैं जब हिंदुस्तान मैच खेल के आता था पाकिस्तान, तो लगता था एक गरीब तरीन मुल्क से मैं अमीर मुल्क में आ गया हूं। 90 की दिहाई में अपनी आंखों के सामने उनको आगे निकलते देखा। लेकिन जो सबसे तकलीफ देह चीज हमारे लिए होनी चाहिए कि बांग्लादेश, जब वो बांग्लादेश बना था मुझे अभी भी याद है, कहते थे जी देखे शुक्र अलहदा हुआ हमारे ऊपर बोझ था, आज बांग्लादेश आगे निकल गया। और जिधर इन्होंने पहुंचा दिया पाकिस्तान, ये वक्त है आप सबके ऊपर अल्लाह ने बड़ी जिम्मेदारी लगाई कि इस वक्त पे अगर हम सही माने में जदोजहद कर गए तो ये हम अब मुल्क को निकाल देंगे, क्योंकि अल्लाह का सबसे बड़ा करम मुल्क पे हो गया है। बेशक पाकिस्तानियों में शऊर पैदा होगा, करम होगा अल्लाह का, जाग गई है कौम। बेशक ये सही बात है। मैं पहले बस मैं अभी जो बात करने लगा हूं, सबसे पहले मैं ये जो यहां घर में पिछले 40 घंटे जो मैं देखा है इस घर के ऊपर जिस तरह का हमला किया गया है, तो मैं कई दफा सोच रहा था कि देखें इतनी ज्यादा फौज बुला ली यहां, यानी हजारों लोग पहुंच गए, फौजी पुलिस वाले रेंजर पहुंच गए, और ऐसे ही है मेरे घर पे बहुत पुलिस आई है कि मैं समझा मैं कोई दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द बैठा हुआ हूं, यानी आर्मर्ड कार वाली आर्मर्ड कार सोच रहे हमारे खान आदमी है। 50 साल से कौम मुझे जानती है, 50 साल से मुझे जानते, किसी और पाकिस्तानी को इतना देर से नहीं जानते। एक दफा मुझे कोई बताए कि मैंने कभी कानून तोड़ा हो। इस मुल्क में अवाम उस आदमी को सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में पैसा देती है, चंदा देती है, मुझे देती है, तीसरा अस्पताल वहां, सबसे बड़े खराती इदारे इस मुल्क की तारीख में, एक यूनिवर्सिटी नबल, दूसरी अभी अल कादर, सब खराती गरीबों के लिए। और जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का हेड हो उसको फौज पकड़ने आ जाती है लोगों की, ये पुलिस की और रेंजर्स की, जुर्म क्या आता था कि पहले सब समझ जाएं कि प्रोपेगेंडा हो रहा है और असल क्या है। जुर्म ये था कि 18 तारीख तक मेरी बेल थी, 14 तारीख को पुलिस पहुंच जाती है, मुझे तो पता था कि 18 को मैं अदालत में जाना है, 14 को पुलिस पहले पहुंच जाती है। लाहौर हाई कोर्ट में जज उनसे पुलिस से पूछता है कि जब 18 की आपने पेश करना अदालत में, और क्यों आई थी अदालत में पेश करने के लिए, तो 3 दिन आपने उससे क्या करना था, जज पूछता है उससे, मुझे पता क्या करना था, इन्होंने वो करना था जो आजम स्वाति से किया और जो शहबाज गिल से किया। ओहो। और जो बदतरीन इस ना, ना, ना। तारीख का जो मेरी जिंदगी में मैंने ऐसा वाकया नहीं देखा, जो इन्होंने उस दरवेश उस मलंग के हालात बहुत बुरे चल रहे हैं जिले शाह से जो इन्होंने किया, यानी मैं तो सोचता हूं इन लोगों को खौफ खुदा होए, नहीं होए, है होए। कि एक ऐसा आदमी जो जिसने कभी जिंदगी में स्वयं प्यार के उसकी जिंदगी में था ही कुछ नहीं, उसके ऊपर जो तशद्दुद किया गया, सिर्फ आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख लें उसकी कि उस आदमी उस बेचारे दरवेश से इन्होंने किया क्या। बस 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 पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखें कि उसका सर फाड़ दिया, उसका स्कल तोड़ दिया, उसकी उसका जिगर इन्होंने
क्या मारा उसको कि वो सारा अंदर से इंटरनल ब्लीडिंग, उसकी स्प्लीन फट गई, उसके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर तशद्दुद किया, उसकी कमर पे मारा। कौन से लोग ये कर सकते हैं इंसानों को? और फिर ये बेगैरत आईजी को शर्म नहीं आई और अपने साथ बिठा के झूठ बोलता है कि जी एक्सीडेंट में मर गया हूं। पहले मेरे ऊपर 302 लगाते हैं कत्ल का मुकदमा, 3 दिन के बाद कहता है एक्सीडेंट हो गया। लोगों को भेड़ बकरियां समझते हैं, ये इंसान नहीं समझते लोगों को, ये हैवान बैठे हुए हैं, ये वो लोग हैं, ना इनमें इंसानियत है, ना ईमानदारी है, ना काबिलियत है, और डरे हुए हैं एक चीज से कि कहीं इलेक्शंस ना हो जाए, कहीं इमरान खान इक्तदार में ना आ जाए, बस उसकी वजह से। ये तो होगा, ये तो होगा। आप आएंगे खान साहब, आप आएंगे। पहुंच गए और मुझे पता चला इतनी इंशाल्लाह, क्योंकि हम तो समझ रहे थे 18 को मेरी बेल है, तक प्रोटेक्टिव बेल है। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट को मैंने बिठा के अश्योरिटी बॉन्ड दिया, उसने जाके अपनी अश्योरिटी दी कि अदालत में ये प्रेजेंट हो जाएगा। जब ये हो गया तो कानून तो वाजे है कि एक दफा अश्योरिटी बॉन्ड मिल जाए तो आपको अरेस्ट कर नहीं सकते। पहले वो डीआईजी ना मिले उसको, तब हमें पता चल गया कि इनकी नीयत खराब थी। ये कोई कानून लेकिन करने इंप्लीमेंट करने नहीं आए थे, ये मुझे जेल में डालने आए थे। और जेल में क्यों ये पूरी कोशिश हो रही है डालने की? क्योंकि लंदन प्लान का ये हिस्सा है, उन नवाज शरीफ को श्योरिटी दी हुई है कि इमरान खान को जेल में डालेंगे, ये उसका हिस्सा है, इसमें कानून का कोई हिस्सा नहीं है। और 5 और केस कर दिए, 85 केस हो गए मेरे। ये पहली मेरी सेंचुरी होगी केसेस की, और मैंने बड़े सेंचुरीज की हुई है। अब सुने एक सुने जरा जरूरी एक बस अच्छा सुने सुनते जाओ बस खान की प्यारी बातें, क्योंकि मैंने आपको फिर से खास वजह से बुलाया। मैंने कभी इस मुल्क का कानून नहीं तोड़ा, मैं आज राइटिंग में देता हूं 85 केसेस हैं, एक केस में भी ये कोई भी मेरा गैर कानूनी चीज साबित करेंगे इनको आगे जाने की जरूरत नहीं, मैं ही छोड़ दूंगा पॉलिटिक्स। बस एक मिनट सुने क्या बात है। हाय हाय हाय, देखिए इनका तो हमें खान समझ आ गई है, नियत ये है कि किसी तरह इमरान खान को जेल में डालो, एक दफा वो जेल में चले बलूचिस्तान ले जाओ और एक के बाद दूसरा केस पे उसको वहीं रखो और उसके बाद इमरान खान को जेल में डाल के इलेक्शन करवा दो, ताकि अगर इमरान खान नहीं होगा तो इनका ख्याल है कि ये इलेक्शन किसी ना किसी तरह इन चोरों को जता देंगे, ये इनका प्लान है। हमारा प्लान ये है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। इलेक्शन की आप जितने भी आए हैं, मैं अब आपके जो टिकट है एक एक का टिकट मैंने खुद अपनी तरफ से, पहले हमारे टिकट में और लोगों के ऊपर छोड़ देता था टिकट देना, लेकिन मुझे पता है 2018 के टिकट बड़े गलत बांटे गए हैं और मुझे पता है कि उसमें बदनीयती भी थी और पैसा भी चला था कई जगह पे, इसलिए इस बारी टिकट मैं खुद दे रहा हूं। मेरी कोशिश होगी जिधर जिधर मुझे शक है मैं आपके इंटरव्यूज करूंगा, खुद करूंगा, और मेरी ये कोशिश है, ना मेरा कोई फेवरेट है, ना मेरा कोई रिश्तेदार, ना मेरा, सुनते जाओ बस खान की प्यारी बातें, अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि जो मैं समझता हूं कि मेरिट है वो मैं उसके मुताबिक टिकट दूंगा। बहुत ही कमाल की वीडियो थी यार। इस वीडियो से हमें ये तो पता लग गया है कि जो इमरान खान है उनको बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से प्यार मिल रहा है, जो सरकार है वो चाहती है कि इमरान खान को अरेस्ट करना और वो उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, किसी भी हद तक जाने के लिए नहीं, इवन जा भी रही है उनको परेशान करने के लिए। इवन मैंने सुनने में ये आया है कि उनके फैमिली मेम्बर्स को भी खतरा है, उनके घरों पर अटैक कर रहे हैं। तो ये क्या चल रहा है पाकिस्तान में, और जहाँ पे जो लोग हैं वो बिल्कुल रस्तों पर आ गए हैं उनको सपोर्ट
कर रहे हैं तो यार इससे ज्यादा क्या बोलेगा। और इमरान खान ने खुद भी ये चीज बोली है कि लाइक ये जो मैं मतलब इन लोगों ने बहुत देश लूट लिया है और जो लोग चाहते हैं, जो अच्छा करना चाहते हैं देश के लिए, वो उनके साथ ये चीजें कर रही है। और उन्होंने ये भी बोला कि मेरे पास 85 या 86 मेरे ऊपर केस है और स्टिल उसके बाद भी आज तक एक भी प्रूफ नहीं हुआ है केस। और उन्होंने ये चीज़ें भी कही कि अगर आप प्रूफ कर सकते हो तो कर लो, मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, इतना तक उन्होंने बोल दिया है। यार और क्या चाहते हो तुम लोग। लाइक लिटरली मुझे इमरान खान बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। और लाइक इन पर ना बिना मतलब के पहले देख लो कि उन पर खुद ही उन पर अटैक किया गया, जहाँ पर उनकी टांग पे चोट लगी, उनके साथ भगवान ही था कि वो बच गए। फिर उसके बाद उन पर क्या क्या नहीं करा, फिर केस पे केस डाले जा रहे हैं, FIR हो रही है, अरेस्ट वारंट निकाल रहे। तो यार क्या चल क्या रहा है पाकिस्तान में, मुझे तो समझ नहीं आ रही है ये चीजें देखकर। और इवन लोग उनको इतना प्यार कर रहे हैं, लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, वो देखकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और आई होप ये जल्दी से जल्दी ये खत्म हुए और इमरान खान वापस प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान। अपनी बात करूं तो ये है कि इमरान खान के लिए हम सब इमरान खान के साथ है, बेशक हमारा खान है, लेकिन मसला ये है कि अब इमरान खान के ऊपर इस तरह से ये तशद्दुद करने लग गए हैं, मतलब कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद तो यहाँ पे आम इंसान क्या करेगा। अब वो उनके ऊपर शेलिंग की जा रही है, घर के ऊपर आम को कूटा जा रहा है, मारा जा रहा है, तो ये सब ना बहुत ही गलत हो रहा है। तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन। आपको हमारा रिएक्शन कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और हाँ, चैनल पे नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।